ये क्या चांद पर भूकंप आ गया? विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर रिकॉर्ड की हलचल। चंद्रमा के साउथ पोल्स रीजन में लैंड करने वाला विक्रम लैंडर एक के बाद एक नई नई खोज कर रहा है। इसी क्रम में अब विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर प्राकृतिक कंपन या हलचल की गतिविधि को रिकॉर्ड किया है। फिलहाल इसरो इस कंपन की गतिविधि की जाँच कर रहा है। इसरो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि विक्रम लैंडर पर ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सतह पर होने वाली कंपन की गतिविधि को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। इन उपकरणों ने ही गुरुवार को चंद्रमा की सतह पर सेस्मिक एक्टिविटी का पता लगाया है। दरअसल यह उपकरण प्रज्ञान रोवर और दूसरे पेलोड्स में हुई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे हैं। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि चांद पर सिस्मिक एक्टिविटी का पता लगाने के लिए भेजे गए पहले माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम मेम्स बेस्ट उपकरण इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा पेलोड ने चांद की सतह पर रोवर और दूसरे पेलोड में कंपन रिकॉर्ड किया है। उपकरण ने 26 अगस्त को ही यह घटना रिकॉर्ड कर ली है, जो स्वाभाविक प्रतीत भी हो रही है। हालांकि इसरो ने यह भी कहा है कि इस घटना के शोध की जांच की जा रही है। इसरो के मुताबिक इल्सा का उद्देश्य प्राकृतिक भूकंपों उनके प्रभावों और कृत्रिम घटनाओं के चलते सतह पर होने वाली कंपन को मापना है। पहले इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर प्लाज्मा पार्टिकल्स की जांच के बारे में भी जानकारी दी थी और अब प्रज्ञान रोवर ने हमें भूकंप की जानकारी दी है। इस तरह प्रज्ञान रोवर के जरिए हम चांद को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मिलती हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें।